नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर जिले भर में निकाला गया मशाल जुलूस। रविवार को बिहार की जनता रचेगी इतिहास। भागलपुर में आपसी विवाद को लेकर पति ने पत्नी को गोपा चाकू। हालत गंभीर, आरोपी पति फरार। सीएए और एनपीआर के विरोध में वकीलों ने की बैठक। 21 जनवरी से भागलपुर के अधिवक्ता करेंगे प्रदर्शन। धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर लोगों का फूटा आक्रोश। अगजनी कर मुख्य सड़क को किया घंटों जाम। और बांका में दिग्विजय मंदार मैराथन का हुआ आयोजन। कई राज्यों के धावकों ने लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। रविवार को बनने वाली मानव श्रृंखला की पूर्व संध्या पर जिले भर में मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसडीएम आशीष नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान समेत कई अधिकारियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भागलपुर डीआरडीए परिसर से घंटाघर चौक तक मशाल जुलूस निकाला और रविवार को बनने वाली मानव श्रृंखला में हाथ से हाथ मिलाकर इतिहास रचने की अपील की। डीएम ने कहा कि मानव श्रृंखला की निगरानी के लिए कई सक्रिय टीम का गठन किया गया है। वहीं नाथनगर प्रखंड और जगदीशपुर प्रखंड परिसर से मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर रविवार को बनने वाली विशाल मानव श्रृंखला को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी तैयारी पूरी कर लेने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने कहा कि जिले भर में 12 लाख से अधिक लोग मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। कल होने वाली मानव श्रृंखला की पूर्व संध्या पर सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जल जीवन हरियाली के समर्थन में जो व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है, 19 जनवरी को दिन में 11:30 बजे से 12 बजे तक इस मानव श्रृंखला में जिले के 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों के भाग लेने की संभावना है और यह संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि वैसे बच्चे जो स्कूल आ जाते हैं और कक्षा 5 से नीचे के हैं, वो स्कूल में ही आपसी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार जिन लोगों को मुख्य सड़क पर मुख्य मार्ग में आने में दिक्कत है, वो लोग जिस लेवल पर हैं, जिस पंचायत या जिस वार्ड में हैं, वहाँ ही मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। तो यह संख्या 10 लाख से कहीं ज़्यादा होने की बात है, संभावना है। और जिस तरह का भागलपुर के निवासियों का सहयोग, समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो हमें 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है, जिसमें लगभग 7,20,000 लोग मुख्य जो रूट है उस पर खड़े रहेंगे, तो ये इससे भी आंकड़ा बढ़ने की संभावना पूरी तरह से है। जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के उद्देश्य से रविवार को बिहार की जनता एक बार फिर इतिहास रचेगी। इसको लेकर प्रशासनिक एवं सामाजिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं शनिवार को जन जागरूकता फैलाने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने साइकिल रैली निकाली और मानव श्रृंखला में लोगों से एकजुट होकर शामिल होने की अपील की। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि भागलपुर में लगभग 360 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। मानव श्रृंखला दिन के 11:30 बजे बनेगी और 12 बजे समाप्त हो जाएगी। वहीं रविवार को बनने वाली मानव श्रृंखला में सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल एवं कॉलेज के छात्र, शिक्षक और आम जन शामिल होंगे। भागलपुर के जगदीशपुर में घरेलू विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल महिला को स्थानीय लोग इलाज के लिए जगदीशपुर अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। कोला नारायणपुर निवासी नारायण मंडल शनिवार को अपनी पत्नी अंजू देवी के साथ बाजार गया था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जगदीशपुर हॉल्ट के समीप पति नारायण मंडल ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नागरिकता संशोधन कानून एनपीआर और एनआरसी को लेकर भागलपुर के अधिवक्ता 21 जनवरी से काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को संविधान बचाओ देश बचाओ समिति और डीबीए की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष सहवरीय अधिवक्ता वैकांत झा ने कहा
कि CAA और NPR के जरिए मोदी सरकार देश की आम जनता को परेशान कर रही है। इसके पूर्व नागरिकता संशोधन कानून पर कोर्ट परिसर में परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने CAA और NPR का बायकॉट किया। DBA अध्यक्ष ने कहा कि नया कानून संविधान विरोधी है, जिसके विरोध में देश भर के अधिवक्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं अधिवक्ता सारिक मंजूर, सुनील शर्मा, संजय कुमार, सुधीर शर्मा और मोहम्मद सामुद्दीन ने CAA को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विपरीत बताया। परिचर्चा के दौरान अधिवक्ताओं ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। वहीं वकीलों के समूह ने कहा कि NPR के बहाने केंद्र सरकार NRC लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे भारत के 35 लाख भूमिहीन और घुमंतू जाति के लोग सबसे पहले प्रभावित होंगे। अधिवक्ता सुनील शर्मा ने कहा कि देश भर में 1974 के बाद यह सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग CAA लागू करके इसको हिंसा की ओर ले जा रहे हैं। परिचर्चा में मौजूद अधिवक्ताओं ने CAA, NPR और NRC की कड़ी निंदा की एवं एक सुर में कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मौके पर अधिवक्ता चक्रधर मंडल, मोहम्मद शहबाज, नवीन कुमार, अरुणाव शेखर समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह का जो काला कानून बनाया गया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है और संविधान विरोधी है, जनहित के विपरीत है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। भागलपुर के सभी अधिवक्तागण, और इसको हम देश भर अपनी क्रांति को पहुंचाना चाहते हैं, और 21 तारीख से हम लोग अपना काला बिल्ला लगाकर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर के आदमपुर चौक से मानिक सरकार तक रुक रुक कर हो रहे सड़क निर्माण के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को लेकर संवेदक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सड़कों पर अगजनी कर जमकर नारेबाजी की और जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जोक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल संवेदक द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं करने के कारण लोग अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं, साथ ही जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग उग्र हो गए और संवेदक के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये मानिक सरकार मोहल्ला नहीं, पूरा जहां तक पास हुआ है रोड का, रोड जहां से जहां तक पास हुआ है, आज 1.5 महीना से काम चल रहा है, अभी तक काम का कोई लेखा जोखा कुछ नहीं है। कब पूरा करना, क्या करना, नहीं करना, एक दिन काम होता है, 3 दिन बंद रहता है, एक आध दिन में 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट बंद करता है, फिर काम बंद कर देता है, उसका 10 दिन बंद रहता है। कब क्या करना, नहीं करना, कुछ नहीं, जाम आए दिन लगते रहता है, एक्सीडेंट करता है, करता है, एक को छड़ लग गया, गिर गया, ना गाड़ी चढ़ाने का है, ना उतरने का है, सारा रोड जाम है, स्कूल है, बगल में हॉस्पिटल है, किसी को कोई जाने आने में इतना दिक्कत है, और जब मन हुआ तब काम शुरू कर दिया, जब मन हुआ काम बंद कर दिया। प्रशासन के तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं, कोई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रशासन की गाड़ी जा रही है, कब काम शुरू होगा, कब बंद होगा, कब होना है, कितना दिन में होना है, कुछ लेखा जोखा नहीं। बांका के ऐतिहासिक मंदार पर्वत परिक्रमा पथ पर शनिवार को दिग्विजय मंदार मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों महिला एवं पुरुष धावकों ने हिस्सा लिया। मंदार मैराथन के दौरान पुरुष धावकों ने 2 बार मंदार पर्वत की परिक्रमा की, जबकि महिला धावकों को 1 परिक्रमा पूरा करना पड़ा। पुरुष वर्ग में बनारस के सुनील यादव को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि भागलपुर नाथनगर के रमन राज को द्वितीय एवं पाकुड़ के टोनाय मुर्मू तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में इलाहाबाद की ज्योति सिंह को प्रथम पुरस्कार, भागलपुर की मुस्कान सिन्हा को द्वितीय एवं बलिया की संध्या यादव तृतीय स्थान पर रही। महिला और पुरुष दोनों वर्गों की स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार विजेता को 15,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 और तृतीय स्थान पर आने वाले धावकों को 5,000 और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन निप्पू पांडे ने किया। इस अवसर पर गिद्धौर फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार त्रिपुरारी सिंह, अंग किसान मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह, विजय सिंह, तंजा सिंह एवं संजीव भगत सहित काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इसके पूर्व जल जीवन हरियाली संरक्षण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के बीच गुब्बारा उड़ाकर मैराथन की शुरुआत की गई। भागलपुर SSP आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों एवं शराब तस्करों के खिलाफ लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार की सुबह गोराडी थाना अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सनहौला की ओर से आ रही कार की तलाशी ली गई। जांच के दौरान थाना अध्यक्ष ने कार से 1330 पाउच देसी शराब बरामद किया, साथ ही कार पर सवार 2 तस्कर को भी मौके से दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों की पहचान दुमका के जसवंत रावत और छोटू कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान तस्करों ने शराब की खेप सहरसा ले जाने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को जेल भेज दिया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी हत्या जैसे संगीन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को नवगछिया पुलिस ने बाबा बिशु राउत रेलवे ओवरब्रिज स्थित बिसहरी मंदिर के पास एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक युवक की पहचान मधेपुरा जिला के पुरैनी बाजार खोरहो निवासी शंकर शाह के 25 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक युवक शुक्रवार की रात ट्रैक्टर पर आलू लोडकर मिर्जा चौकी के लिए निकला था। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित गायब बताया जा रहा है। वहीं नवगछिया एसडीपीओ परवेंद्र भारती ने बताया कि युवक की कहीं और हत्या कर अपराधियों ने सब को यहां फेंक दिया था। एसडीपीओ ने गला दबा कर हत्या करने की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है। ये नवगछिया 0 माइल से जब कदवा की तरफ जाते हैं तो रेलवे ओवरब्रिज है, उसके पुल के नीचे पानी में डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। उसका उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के आसपास है। गले में इलिगेशन मार्क है और खून ऊपर से नीचे गिरा हुआ लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहीं अन्यत्र बाहर से मार करके उसे यहाँ पर छिपाने के लिए फेंक दिया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। इसके बाद रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरहपुरा ईदगाह मैदान में जनसभा को संबोधित किया। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में रालोसपा अध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एवं एनपीआर को देश के लिए संकट बताया। इसके पूर्व मंच से कई पार्टी के नेता, धार्मिक गुरु और बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे। वहीं बरेपुरा मुस्लिम एसोसिएशन के सचिव समीम मलिक, शाहिद हसन, इंजीनियर मोहम्मद अबुल हसन, नूरुल्लाह बबलू मेहंदी, मौलाना फारूक नदवी समेत कई लोगों ने सीए को वापस लेने की मांग की। मौके पर लोक समता पार्टी के हजारी प्रसाद, रविशेखर भारद्वाज, ओम भास्कर समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की अहले सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों की गला दबा कर हत्या कर दी गई। मामला वार्ड संख्या 14 के कन्हैया टोला का है, जहां दुकान की दस्तावेज खो जाने से नाराज भरत केसरी ने अपने परिवार के 5 सदस्यों की गला दबा कर हत्या कर दी। दुकान के एग्रीमेंट की कागज खो जाने के कारण भरत केसरी कुछ दिन से परेशान रह रहा था। पुलिस ने आशंका जताई है कि तनाव के कारण केसरी ने गुरुवार की रात घर में सो रहे 5 सदस्यों की गला घोट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस भरत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये भरत केसरी जो कि कन्हैया टोला हवेली खड़गपुर का रहने वाला है, इसका गोशाला मार्केट में शिवम सोनावाज की दुकान था। कुछ दिनों से दुकान के एग्रीमेंट के कागज गुम हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसी डिप्रेशन में वो आकर कल रात सुबह 4 बजे जो है अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी 3 बेटियों को गला दबाकर हत्या कर दिया। बाद में इसने खुद आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन यह केवल घायल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी समस्या है, उसने इस बात को स्वीकार भी किया है, वो काफी दिनों से डिप्रेशन में था। भागलपुर मड़वाली कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा फिट इंडिया दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष मिश्रा के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने साइकिल एवं पैदल रैली निकाली। इसके बाद छात्रों ने रोको टोको अभियान चलाया और लोगों से यातायात के नियम का पालन करने की अपील की। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, डॉक्टर दीपो महतो, मृत्युंजय कुमार, रोशनी कुमारी समेत कई स्वयंसेवक मौजूद थे। वहीं भागलपुर एसएम कॉलेज में छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत एनएसएस की स्वयंसेविकाओं ने कॉलेज परिसर से घुरनपीर बाबा चौक तक साइकिल रैली निकाली। रैली को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर और एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षक मौजूद थे। रविवार को बनने वाले राज्यव्यापी मानव श्रृंखला की सफलता के लिए शनिवार को सनहौला में BDO अरविंद कुमार और BO शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। अरार मध्य विद्यालय में आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी ने भाग लिया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए BDO अरविंद कुमार ने कहा कि जल और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ने तथा सभी लोगों को मानव श्रृंखला की कड़ी बनने की बात कही। BDO ने सभी जीविका दीदियों को घर घर जाकर मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। सनहौला पूर्वी क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसको 8 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही BDO ने कहा कि मानव श्रृंखला के बाद वृक्षारोपण भी किया जाएगा, जिससे जल जीवन हरियाली विषय पर आयोजित मानव श्रृंखला की सार्थकता सिद्ध हो सके। वहीं मानव श्रृंखला की सफलता के लिए डीलर संघ द्वारा जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाला गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रविवार को बनने वाली मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर बाराहाट प्रखंड परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बाराहाट BDO शशिभूषण शाह ने की। इस दौरान काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, जीविका दीदी एवं शिक्षक मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए BDO शशिभूषण शाह ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभियान जल जीवन हरियाली को लेकर बनने वाली मानव श्रृंखला में प्रखंड के सभी लोगों से मानव श्रृंखला की कड़ी बनने की अपील की। BDO ने कहा कि जल और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। मौके पर CO शरत मंडल, थाना अध्यक्ष परीक्षित पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC के विरोध में 21 जनवरी को भागलपुर में मौन जुलूस निकाला जाएगा। मौन जुलूस में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए 3 पॉइंट बनाया गया है। मुस्लिम हाई स्कूल, बरेपुरा ईदगाह मैदान और हुसैनाबाद मस्जिद के समीप सभी समुदाय और धर्म के लोग जमा होंगे और इसके बाद समाहरणालय पहुंचेंगे। वहीं मौन जुलूस को लेकर जमात उलेमा हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि जुलूस में महिला एवं पुरुष के साथ काफी संख्या में युवा भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक CA को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। पूरे मुल्क में सारे समुदाय के लोग, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह के लोग पूरे तौर पर NRC, CAA, NPR के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 21 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें यहाँ के सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि पूरे ज़िले के लोग 3 बड़े सेंटर पर आएंगे और तीनों बड़े सेंटर से मिलकर के फिर सारे लोग DM ऑफिस जाएंगे। भागलपुर गोराडी प्रखंड स्थित BRC परिसर में शनिवार को बिहार राज्य शिक्षक संघ गोराडी इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वीर शिवाजी ने की। बैठक के दौरान सभी शिक्षकों ने बिहार राज्य शिक्षक संघ समन्वय समिति के आह्वान पर मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। वीर शिवाजी ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग समान काम समान वेतन को पूरा नहीं करती है, तब तक सरकार की दमनकारी नीति का शिक्षक विरोध करते रहेंगे। शिक्षकों ने मानव श्रृंखला का पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही। मौके पर संजय कुमार सिंह, परेश झा, उषा कुमारी, अशोक कुमार गुप्ता, चंदन कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। यह जल जीवन हरियाली एक बहुत अच्छी कार्यक्रम है। हम शिक्षक समुदाय इसका कभी विरोध ना किए हैं, लेकिन हमारे जो राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है और जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार से वार्ता के लिए रखे थे, वह सफल वार्ता नहीं होने के कारण जो संघ ने निर्णय लिया है, राज्य और जिला ने, उसको प्रखंड अक्षरशः हम लोग मान रहे हैं। इसमें सारे संगठन समाहित है और इसके निहित हम लोग इस नीति का हम लोग विरोध करेंगे। भागलपुर के सनहौला प्रखंड स्थित तेलहौंदा पंचायत में शनिवार को मुखिया शिव कुमार शाह ने गरीब एवं असहाय लोगों के बीच 500 कंबल का वितरण किया। मुखिया ने कहा कि ठंड को देखते हुए पंचायत के विभिन्न वार्डों से विधवा, वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का चयन किया गया था, जिसके बीच शनिवार को अपने निजी कोष से कंबल बांटा गया। मुखिया ने कहा कि मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मौके पर जनार्दन यादव, नितिन कुमार, रोशन कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर जिले भर में निकाला गया मशाल जुलूस, रविवार को बिहार की जनता रचेगी इतिहास। भागलपुर में आपसी विवाद को लेकर पति ने पत्नी को गोपा चाकू, हालत गंभीर, आरोपी पति फरार।
सीएए और एनपीआर के विरोध में वकीलों ने की बैठक। 21 जनवरी से भागलपुर के अधिवक्ता करेंगे प्रदर्शन। धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर लोगों का फूटा आक्रोश, अगजनी कर मुख्य सड़क को किया घंटों जाम। और बांका में दिग विजय मंदार मैराथन का हुआ आयोजन, कई राज्यों के धावकों ने लिया हिस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।